हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सेकंड सेम, यानी कि पेपर सेकंड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी पेपर कोड है 202, यानी विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, जिसमें चैप्टर नंबर एक है। चैप्टर नंबर एक क्या है? शैक्षिक प्रशासन, अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, डिफिनीशन एंड नेचर। तो चलिए, इसमें पहला पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन। यानी शैक्षिक प्रशासन क्या होता है? तो किसी भी संगठन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। किसी भी समाज की संरचना उसके प्रशासन से ही सुनिश्चित होती है। प्रशासन एक महत्वपूर्ण पद है जिसकी व्यवस्थित एवं विशद व्याख्या लोक प्रशासन में किया जाता है। शिक्षा प्रशासन लोक प्रशासन का एक अभिन्न अंग है, फिर भी यह उसका एक अभिन्न अंग होते हुए भी अभिन्न अंग होते हुए भी उससे भिन्न है, क्योंकि इसका संबंध विद्यालयों से है और विद्यालय स्वयं में एक विशिष्ट संस्था है। यह एक ओर तो समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा दूसरी ओर परिष्कृत करके आगे बढ़ाने का कार्य करती है, साथ ही सामाजिक परिवर्तन के साधन या संयंत्र के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इस प्रकार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया हो जाती है और इसका प्रशासन एक दूसरे प्रशासन से भिन्न हो जाता है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो शिक्षा प्रशासन सामान्य प्रशासन या लोक प्रशासन का एक अभिन्न अंग है, परंतु शिक्षा प्रशासन अन्य प्रशासनों की अपेक्षा मानव मूल्यों को प्राप्त करने का दायित्व अधिक वहन करता है। यह प्रशासन विद्यालयों के माध्यम से इन आदर्शों एवं मूल्यों को प्राप्त करने में भी सफलीभूत होता है। इस कारण यह लोक प्रशासन या अन्य प्रशासनों से कार्य एवं उद्देश्य के आधार पर भिन्न होता है। अतः शिक्षा प्रशासन इस रूप में एक विशिष्ट व्यवसाय है। अब हम लोग परिभाषा देखेंगे कि शिक्षा अनुसंधान का विश्वकोश के अनुसार ये कहते हैं कि शिक्षा प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयास का समन्वय तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके। यह प्रक्रिया केवल बालकों तथा नव युवकों के विकास से ही संबंधित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत प्रौढ़ों एवं कार्यकर्ताओं के विकास को भी महत्व प्रदान किया जाता है। दूसरा डिफिनीशन देखते हैं। आर मार्ट पाल कहते हैं कि शिक्षा प्रशासन का अर्थ है छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में प्रवाहित करना है, और इस दृष्टि से शिक्षकों का साधन के रूप में प्रयोग करना तथा इस प्रक्रिया का संचालन ऐसे जन समुदाय के संदर्भ में है
करना जो शिक्षा के उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति के साधन दोनों से विभिन्न प्रकार से संबंधित है। अब अगला पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप, यानी कि नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शिक्षा प्रशासन का प्रमुख विषय सत्ता तथा नियंत्रण माना जाता है, क्योंकि प्रशासन का स्वरूप तथा उसकी गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ता तथा नियंत्रण करने की शक्ति किस बिंदु पर आधारित है और उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। प्राधिकरण तथा उस शक्ति को परिलक्षित करता है जो कार्यकर्ताओं में कार्यों का विभाजन करती है तथा कार्य के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाती है। और नियंत्रण वह प्रणाली है जिसके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु ये दोनों तत्व प्राधिकरण तथा नियंत्रण मिलकर प्रशासन की गुणवत्ता का निर्णय करते हैं। आगे है प्रशासन में प्राधिकरण तथा नियंत्रण के स्वरूप के पक्ष निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से पक्ष हैं? पहला है केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें देखेंगे पहला पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीकरण क्या होता है। तो यह प्रशासन का वह स्वरूप है जिसमें सत्ता या शक्ति एक केंद्रीय साधन में निहित होती है। यही केंद्रीय साधन नीतियों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन भी करता है, साथ ही आदेश एवं धन प्रदान करता है। इस प्रकार का प्रशासन एक रूपता लाने पर बल देता है और इसमें शिक्षा पर राज्य का एकाधिकार होता है। यह प्रशासन नौकरशाही से अधिकृत होता है। इसमें दूसरा पॉइंट है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है कि यह प्रशासन का वह स्वरूप है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। यह स्वरूप स्थानीय समुदायों के आत्म निर्णय के सिद्धांत पर आधारित है और इस स्वरूप के शिक्षा प्रशासन में अभिभावकों, समुदाय तथा शिक्षकों तीनों को समान महत्व प्रदान किया जाता है और साथ ही शिक्षा को एक सहयोगी प्रयास भी माना जाता है। यह प्रशासन स्थानीय परिस्थितियों के साथ अनुकूल करने पर भी बल देता है और साथ ही यह विविधता को कायम भी रखता है, अतः क्रियाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर भी बल देता है। इसमें दूसरा पॉइंट है बाह्य तथा आंतरिक प्रशासन, यानी कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अब अगला पॉइंट देखेंगे एक्सटर्नल प्रशासन, यानी कि बाह्य प्रशासन क्या होता है। तो शिक्षा का बाह्य प्रशासन उस प्रभाव एवं आदेश का संकेत देता है जो उच्च स्तर की शक्ति द्वारा दिए जाते हैं। भारत में शिक्षा के बाह्य प्रशासन का अर्थ शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय नियंत्रण से लगाया जाता है। बाह्य प्रशासन नियमों का निर्माण करता है तथा पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यक्रम भी निर्धारित करता है और इसके साथ ही वह भवनों के निर्माण एवं खेल के मैदानों की व्यवस्था में भी सहायता देता है और साथ ही उनके लिए निर्देशक सिद्धांतों का भी निर्धारण करता है
और यह शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, सेवा की दशाओं, सत्र की अवधि आदि का निर्धारण करता है। अगला पॉइंट है आंतरिक प्रशासन। आंतरिक प्रशासन क्या होता है? आंतरिक प्रशासन से उस व्यवस्था का अर्थ लगाया जाता है जो विद्यालय का नेता अपने साथियों की सहायता से विद्यालय के प्रतिदिन के कार्यक्रमों एवं क्रियाओं के संचालन के लिए स्थापित करता है। और इसके अतिरिक्त विद्यालय का नेता अपने शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों, प्रबंधकों तथा छात्रों के सहयोग से ही शिक्षा द्वारा निर्धारित सामान्य नियमों के अनुसार ही विद्यालय की व्यवस्था करता है। तो ये पहला चैप्टर था विद्यालय एवं विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व। ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।